लालू जी ने कहा कि अखिलेश जी को मैंने जेल में रहकर वहाँ भिजवाया राज्यसभा, ये क्या अब इसमें क्या मतलब ये तो कांग्रेस चला रहे भी बिहार में तो कांग्रेस ने आज नहीं, ये तो कोई एक घटना की बात नहीं, 1990 में 1989-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया, बिहार को बेचा अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें, जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की, एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया बिहार की जनता का जो होना है हो, यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की, नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया। और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या है, मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का, उन्होंने नीतीश जी को बनाया जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 MP सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20-25-30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की, सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20-25-30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ दो लोग चलाते रहे लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही है, इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा, ठीक है भाई आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पर पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया, कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उसके उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग भी लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। जी तेजस्वी जी, बिहार के जापान के बारे पर है, बिहार के विकास से इसको जोकर देखा जा सकता है क्या आइडिया? मेरे भाई तेजस्वी जी जापान जाए या अंटार्कटिका चले जाए, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है, लेकिन जापान आप घूमने गए हैं ताकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। सर मेरा सवाल है, हम लोग जहां अभी हैं बेनीपट्टी परिखाने मुख्यालय में, यहां वर्षों से स्वास्थ्य माफिया का बोलबाल रहा है और यहां जो भी लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं या तो इसको मौत से हत्या करवा दिया गया है या तो इसको राष्ट्रीय से हटा दिया गया है। वर्ष 2021 में यहीं का एक पत्रकार था बुद्धिनाथ झा उपाध्याय, इसको मेडिकल माफिया के लोग ने अपहरण करके हत्या करवा दिया, इसके बावजूद भी बेनीपट्टी में मेडिकल माफियाओं का बोलबाला है, यहाँ का लोग रोजाना शोषण हो रहे हैं, मृत्यु का शिकार। मेरे भाई अगर बेनीपट्टी की ये समस्या होती तो मैं आपको अभी तक जरूर इस पर कुछ बोलता, मैंने आपने देखा मैंने सब विषय पर बोला लेकिन मैंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? स्वास्थ्य व्यवस्था हो तब तो मैं बोलूं कि वो अच्छा है कि खराब है,
मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों में गया नहीं, लेकिन जो गांव पंचायत में ब्लॉक के स्तर पर जो अस्पताल है वो अस्पताल है ही नहीं, वहां तो भैंस और बकरी बंधे हुए हैं। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, बेचारे जापान गए हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। आप आशा हम लोग को रखना चाहिए बिहार के नागरिक होने के नाते कि जापान से लौटेंगे तो कुछ स्वास्थ्य के विषय में सीख गए होंगे, तो शायद यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ करेंगे। आपने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ किस लिए है? नर्सिंग कॉलेज में का लाइसेंस देने के लिए पैसा लो, डॉक्टर का जिसका प्रैक्टिस चल रहा है उसको उससे ट्रांसफर पोस्टिंग करके उससे हर छह महीने पे वसूली करो, दवा में घोटाला करो, बिल्डिंग बनाने में, स्वास्थ्य के लिए यहाँ कौन चिंता कर रहा है भाई? स्वास्थ्य तो यहाँ पर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्हीं के भरोसे है, आप मरिए या जिंदा रहिए, ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की जो चिंता है या जो भार है वो यहाँ के ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर भी है, क्योंकि सरकार की तो कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ। इंडिया एयरलाइंस को लेकर आपका एक स्टेटमेंट है कि 2024 के लिए जो इंडिया एयरलाइंस बना है उसके पास इशू नहीं है, अगर बना लिए किस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी पर। मेरे भाई ऐसा है, आप अभी 4 दिन पहले का मेरा एक इंटरव्यू देखे हैं, उसी पर आके सवाल कर रहे हैं, वो देखिए मैंने प्रश्न आपका समझ लिया। क्या आप उसमें अपनी वीडियो इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा है कि मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, या आपको भी लगता है कि मोदी का शासन पहले? तो आपने इंटरव्यू को या तो सुना नहीं है या सुन के समझे नहीं, इतने आतुर हैं भी आप सवाल पूछने के लिए, इतनी आतुरता में उसने वो सवाल पूछा है। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया एयरलाइंस के पास क्या है क्या नहीं है, सवाल ये पूछा गया है कि क्या करने से इंडिया एयरलाइंस मोदी को चुनौती दे सकता है। तो मैंने ये कहा कि अगर उनके पास नैरेटिव हो, जिसके बाद जिसको आप मुद्दा की कह रहे हैं, अगर उनके पास नैरेटिव हो, उनके पास चेहरा हो, संगठन हो, तो ही वो मोदी को या भाजपा को चुनौती दे पाएंगे। फिर आप जबरदस्ती का अपना गाना गा रहे हैं, आपके पास दिख रहा है तो आप हमको बता दीजिए इंडिया इंडिया एलायंस का क्या नैरेटिव है, वो कृपा करके आप मुझे बता दें तो मैं अपने आप ज्ञानवर्धन कर लूंगा कि सर इंडिया आपको भाजपा को हराना है, ये तो नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव तो आपका जनता के लिए क्या है, ये तो इंडिया एलायंस ने अभी खुद से घोषित नहीं किया है, पत्रकार होने के नाते अगर आपको जानकारी है तो हमको बता दीजिए। इंडिया एयरलाइंस ने पिछले 4 महीने में अपना नाम सबको बताया कि भाई हमारा नाम अब यूपीए नहीं इंडिया होगा, तो आप हम सब जानते हैं। इंडिया एयरलाइंस ने ये तो नहीं कहा कि हमारा नैरेटिव क्या होगा चुनाव के लिए, जब वो बताएंगे तो आप जानिएगा, तब उस पर टिप्पणी करूंगा। सर बिहार में अभी जाति आधारित जनगणना हुआ है, उसमें लोगों को फायदा है या नुकसान? अगर फायदा है तो आपके नजर में क्या? मेरे भाई जातीय जनगणना हो या आर्थिक सर्वेक्षण हो, कोई भी गणना, कोई भी असेसमेंट अगर आप करते हैं तो उसका अगर उसके पीछे नीति और नियत ठीक है तो उसका फायदा हो सकता है, लेकिन आपको हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना से ही बिहार की स्थिति सुधरनी थी तो नीतीश लालू तो 32 बरस से यहाँ बिहार में है, उन्होंने ये क्रांतिकारी कदम पहले क्यों नहीं उठाया? और अब तो जनगणना हो गई है, जनगणना में ये पता चला कि जो 60-70% जिनकी आबादी है उनकी भागीदारी नहीं है, तो नीतीश जी और लालू जी दोनों को तुरंत उन वर्गों को सरकार में तुरंत भागीदारी देनी चाहिए, सरकारी योजनाओं में, विधायकी में, मंत्रिमंडल में उन वर्गों को भागीदारी दे ताकि उन वर्गों को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।